राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की, जिसमें संजय निषाद के राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले किसी को निषाद समाज का दर्द नहीं दिखा। वहीं कांग्रेस पार्टी के निषादों के आरक्षण की फाइल दबा दी थी। समाजवादी पार्टी को लेकर भी कहा कि सपा सरकार के निषाद अपनी माफ़ी लेकर आंदोलन कर रहे थे, तभी संत कबीर नगर में सपा सरकार ने निषादों पर लाठी चलवाई, तब निषाद नहीं याद आया। आज राम मंदिर तभी बना जब भारतीय जनता पार्टी के पास पावर आया। आज निषाद पार्टी भी पावर में जाकर इसने जो वादा किया समाज को, अपने जो निर्भरों को वादा किया, उसे सरल बनाने के लिए उससे कुछ पद पर पहुँचना अनिवार्य है। किसी बनना अनिवार्य है। मैं कहता हूँ कि और भी पद हैं, मेरे समाज का, मेरे समाज का सुझाव था ये काम तय करना भारतीय जनता पार्टी का रहा। हम लोग तो अपने आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी तटस्थ है, अपने हिस्से पर तटस्थ है, इनको विकास की धारा मिलाने के लिए तटस्थ है। अनिर्भर इंडियन सोशल हमारा काम दल जो 150 सीटें 160 सीटें तैयार कर रहा था, उसकी जिम्मेदारी है। उसमें हमारा वोट एक जगह है। 2017 में चुनाव लड़ा, आपने देख रखा होगा कि सपा बसपा का 30 साल का क्या हाल हुआ। 2019 में सपा बसपा और एक साथ हो गई, डॉक्टर संजय मोदी के साथ हो गए, आज बसपा अलग हो गई है। इसकी आप रिपोर्ट का सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि 2022 का चुनाव एनडीए के साथ है, डॉक्टर संजय के साथ। मांगे जो होती हैं, आज 70 साल से और सरकार को नहीं दिया, रिटायर तो जब हो गए लेकिन कलम तो नहीं चलाया। भारतीय जनता पार्टी अभी निर्विघ्न दल है उत्तर प्रदेश में। फिर 2000 जब हम जल बनाने में भूमिका रखेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2022 की सरकार बनाएंगे। बदमाश अधिकारी तो वही के वही है, नहीं बदमाश पाएंगे तो उन अधिकारियों को देखो कि कैसे जब मामला तय हुआ 2 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग का अधिकारी बदल दिया गया। जब बदल दिया गया तो मेरा लेटर आरटीआई में चला गया। तो जब हम लोग आएंगे पावर में तो अधिकारी भी सहयोग कहने से बदला गया अधिकारी। 70 साल से उम्मीद किया है, देश को आजाद कराया है, हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।